जय श्री गणेश। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सीमा बेजवानी व्लॉग्स। तो गाइस, आज गांधीनगर में एक उत्सव लगा हुआ है, तो हम जा रहे हैं, उसका पूरा व्लॉग हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए। हम इतनी सारी मेहनत आपके लिए करते हैं, तो गाइज थैंक यू सो मच ऑलवेज सपोर्टिंग माई व्लॉग्स। चलिए गाइज, अभी हम रेडी होके निकलते हैं और पूरे व्लॉग में कंटिन्यू आप बने रहिएगा। तो गाइज फाइनली अभी हम रेडी होके निकल चुके हैं, और देख सकते हो रास्ते पे बहुत धूप है। तो अभी हम लोगों ने ले ली है सबसे पहले कच्ची केड़ी, अम्मी जी को लगी थी बहुत सारी भूख। तो गाइज पहले कार पार्किंग करनी पड़ी, और हमें पैदल पैदल काफ़ी जाना पड़ेगा। पहली बार अम्मी जी इतना सारा वॉक करेंगे, क्योंकि यहाँ से ये हाफ किलोमीटर जितना दूर है जहाँ हमें जाना है। तो रास्ते में ये सारी शॉप्स लगी हुई है, ये एक छोटा सा मेले टाइप लगा हुआ है, और ये गांधीनगर में अभी आज सेकेंड लास्ट डे है, कल लास्ट डे है, फिर कंप्लीट हो जाएगा ये फेयर। तो देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी सी मेले में चीज़ें मिल रही है, हैंडक्राफ्टेड भी हैं, देख सकते हो आप। और हम आ चुके हैं फाइनली। तो गाइज यहाँ पे कितनी सारी पब्लिक है, आप देख सकते हो बहुत सारी भीड़ है, और प्लस धूप भी बहुत ज़्यादा है। ये मोदी जी का कुछ उत्सव है। 5 और 10 रुपीज़ टिकट लेकर हम पहुंच चुके हैं इनसाइड। तो गाइस देख सकते हो ये सारे, तो गाइस हम लोग इनसाइड पहुंच चुके हैं। इस तरीके का कुछ व्यू है पूरा, यहाँ पे अच्छा सा एग्जीबिशन लगा हुआ है। एक्चुअली मैंने ये देखा, यहाँ पे एग्जीबिशन है, शॉपिंग की चीज़ें हैं, सो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। अब हम आपको पूरी चीज़ें दिखा रहे हैं। तो देख सकते हो गाइस इस तरीके से छोटे छोटे पॉट्स वगैरह मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी हैंडक्राफ्टेड चीज़ें हैं, पेंटिंग्स हैं, यहाँ पे बच्चों के टॉयज़ मिल जाते हैं आपको। गाइस इनका जो बजट है वो भी काफ़ी रिजनेबल सा बजट है यहाँ। और ये देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स मिल रही हैं अच्छी अच्छी सी, यहाँ पे बेडशीट्स हैं, सोफ़ा कवर्स हैं, कुशन कवर्स हैं, और देख सकते हो यहाँ की झूमर्स वगैरह, इयररिंग्स, मंगलसूत्रस। तो गाइज यहाँ पे अलग अलग लोगों ने काफ़ी सारे स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जो शॉपिंग लवर्स हैं आई होप उन्हें ये जगह बहुत अच्छी लगी होगी। और गाइज आप देख सकते हो इतनी सारी भीड़ है यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हो ये भी हैंडक्राफ्टेड चीज़ें हैं, बर्तन हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ। मुझे ख़ास करके ऐसी जगह घूमना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जहाँ पे अच्छे अच्छे एग्जीबिशंस लगे हुए होते हैं। अगर गाइस ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ आई होप कि आप लाइक सब्सक्राइब करोगे डेफिनेटली। और ये आप सारी चीज़ें देख सकते हो। तो जो लोग यहाँ पे नहीं आ पाए हैं तो ये व्लॉग देख के वो ज़रूर एंजॉय कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या था। और डेफिनेटली आप लोग अच्छा किया यहाँ पे नहीं आए, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना, मतलब अब परेशानी होने वाले थे, सच बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी सारे लोग हैं। और यहाँ पे चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी आपको बाहर से भी लोगे तो। ये सारी जो यहाँ पे कुछ मुझे डिफरेंट नहीं दिखा, ये कुछ सेल लगी हुई थी पर्सेस वगैरह की। तो गाइज ये सारे पर्सेस आपको आसानी से दूसरे मार्केट्स में भी अवेलेबल मिल जाते हैं। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मुझे दिखाई दी कुछ डिफरेंट नहीं दिखाई दे रहा था, लाइक कि मैं यहाँ से कुछ परचेज करूँ कुछ अलग दिखाई दे, अब तक ऐसा मुझे कुछ दिखा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो गाइज ये देख सकते हो यहाँ पे, ये सेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाएंगी अवेलेबल। और ये सारी हैंडमेडेड चीज़ें हैं, तो हैंडमेड जो चीज़ें थी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ये वाली शॉप की चीज़ें मुझे अच्छी लगी काफ़ी। और ये दुपट्टे वगैरह गाइज, ये सिर्फ इन्होंने कुछ दिनों के लिए एग्जीबिशन लगाया था, ये फूड कोर्ट है, तो हम लोग अभी पहले कुछ खा लेंगे, बहुत ज़्यादा भूख लगा है, मॉर्निंग से हमने आई थिंक कुछ नहीं खाया है, तो अभी बहुत सारी भूख लगी है, तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे क्या अच्छा मिलता है। चलिए अभी गाइस दिखाते हैं आपको। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स लगी हुई है, खाने पीने की चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, यहाँ पे हर एक चीज़ मिल रही है। अमित जी ने खा लिए हैं पानी पूरी, पकौड़े, ऐसा कुछ, और मैंने ले ली है ब्राउनी,
उसके बाद हम पी रहे हैं जामुन शॉट्स। तो गाइस मैं जामुन शॉट्स भी पी लेती हूँ, तो पार्टी के बहुत मज़ा आ चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो इकट्ठे सारे लोग यहाँ पे प्रोग्राम्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे चल रहे हैं प्रोग्राम। यहाँ पे कुछ गरबा गुजराती प्रोग्राम है, भरतनाट्यम है, अलग अलग काफ़ी सारे प्रोग्राम्स का टाइम शुरू हो जाता है 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो गाइज अभी प्रोग्राम देखने के बाद अभी हम फिर से आ चुके हैं एग्जीबिशन की तरफ। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें एग्जीबिशन में मिल रही हैं, और इस टाइप की कुछ क्ले की चीज़ें मिल रही हैं। ये देख सकते हो कवर्स वगैरह मिल रहे हैं, जो कि हमने एक लिया है, और ये सारी भी चीज़ें मिल रही है। इयररिंग्स वगैरह देख सकते हो, ये वाले भैया के इयररिंग्स वगैरह मुझे सही लगे। अगर गाइज आपने ये जगह पे आना मिस किया है तो आप इस ब्लॉग के ज़रिए देख सकते हो सारी चीज़ें किस टाइप का था। और अगर अच्छा लगे तो और भी अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो। तो ये हैंडलूम की शॉप थी जहाँ बेडशीट्स, कुशन कवर्स और सारी चीज़ें मिल रही थी। उसके बाद हम निकल चुके हैं घर की ओर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे घूम के, और भीड़ में घूमने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। अभी मैं आ चुकी हूँ घर, भूख लगी थी, खा रही हूँ नाचोस, वहाँ से मैं काफ़ी चीज़ें खा कर रही हूँ, पर वहाँ से आगे मैं सो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। अभी मुझे हिचकियाँ होने लगी है। गाइस फाइनली हम घर आए उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके, और आपने पूरा व्लॉग देखा ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। बट वहाँ पे उत्सव लगा था, इट्स ओके कि सरकार हमारे लिए इतना सब कुछ बना रही है। और वहाँ की टिकट सिर्फ 10 रुपीज़ ही थी, बच्चों की 5 रुपीज़ थी, पर गाइस उसके हिसाब से अच्छा रखा था, ठीक है। बट वहाँ पे जो चीज़ें मिल रही थी, कुछ ही एग्जीबिशंस पे ऐसी स्टोर्स थी जहाँ अच्छी लगी, बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन सी थी। और इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा था, मतलब बिल्कुल अम्मी जी को अच्छा नहीं लग रहा था इतनी ज़्यादा भीड़ में, मुझे खुद को इतना अच्छा नहीं लग रहा था। ये तो मैंने कुछ स्टेटस देख के मैं वहाँ पे गई थी, बट इट्स ओके। अगर आप नहीं गए तो घबराइएगा मत कि हमने इतनी अच्छी चीज़ मिस कर दी, ठीक है, अच्छा था। बट वहाँ की जो चीज़ें थी और वो वहाँ पे जो रखा हुआ था वो काफ़ी नॉर्मल सा था, और ठीक है। अभी अगर हर किसी की चॉइस है, बट मुझे शायद क्राउड की वजह से इतना मज़ा नहीं आया। और गाइज अगर अच्छा लगा हो, आपने इन्जॉय किया तो दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, तो अच्छी बात है कि घर बैठे ही आप ये सारी चीज़ें देख रहे हो, और हमें स्पेशली इतना दूर जाना पड़ रहा है चीज़ें देखने के लिए। मैं हमेशा चाहती हूँ कि अच्छी से अच्छी चीज़ें आप तक शेयर की जाए। तो ये उत्सव तो ठीक है अच्छा सा था, जो एग्जीबिशन लगा हुआ था, जिन्होंने इतनी मेहनत की, अपनी अपनी चीज़ों को एक्सपो किया, तो वो भी अच्छी चीज़ है काफ़ी। बट मैं चाहती हूँ कि कुछ नई नई चीज़ें आए, एक्सप्लोर हों। वहाँ पे ज़्यादा टेस्ट गुजराती चीज़ों का था, मेरी टेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न, तो मुझे वहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं मिला। बट ठीक है, अच्छा लगा, अच्छा था। और हमेशा आप हमारे ब्लॉग्स को प्यार दीजिएगा, अगर अच्छा लगा हो, एंजॉय किया हो तो एक लाइक भी दे दीजिएगा गाइस। तो चलिए इसके बाद वाला ब्लॉग जो आने वाला है, बहुत अच्छा ब्लॉग आने वाला है, तो उसमें हमें बहुत सपोर्ट दीजिएगा। लॉ गार्डन की हम लेटेस्ट कलेक्शन दिखाने वाले हैं इसके बाद वाले ब्लॉग में। तो गाइज लव यू सो मच।